लॉर्ड्स टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत, चौथे दिन मेजबान इंग्लैंड ने दूसरी पारी में बनाए 4 विकेट पर 105 रन। भारत ने दी है 319 की चुनौती, लक्ष्य से 214 रन। ईशांत शर्मा की शानदार गेंदबाजी, 13 रन देकर चटकाए 2 विकेट। शमी और जडेजा को भी मिली कामयाबी, दोनों के खाते में 1-1 विकेट। इंग्लैंड के कप्तान एलियस्टर कुक फिर रहे नाकाम, 22 रन पर ईशांत ने किया आउट। टीम इंडिया ने दूसरी पारी में बनाए 342 रन, रविंद्र जडेजा और भुवनेश्वर कुमार की शानदार हाफ सेंचुरी। रविंद्र जडेजा ने टेस्ट में लगाया पहला अर्धशतक, 57 गेंदों पर 68 रन बनाकर स्कॉट्स का शिकार हुए। भुवनेश्वर कुमार ने एक बार फिर किया कमाल, 52 रनों की शानदार पारी खेली। जडेजा और भुवनेश्वर के बीच अहम साझेदारी, 8 विकेट के लिए दोनों ने 99 रन जोड़े। लॉर्ड्स में शतक से चूके मुरली विजय, 95 रन बनाकर एंडरसन का शिकार बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाभा एटॉमिक सेंटर के वैज्ञानिकों से मिलेंगे, परमाणु कार्यक्रम की जानकारी लेंगे। प्रधानमंत्री को इंडियन प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, लार्ज स्केल रिएक्टर इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी की दी जाएगी जानकारी। बड़े आकार के न्यूक्लियर रिसाइकल प्लांट की भी जानकारी लेंगे प्रधानमंत्री। महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री नारायण राणे आज दे सकते हैं इस्तीफा, कांग्रेस छोड़कर अलग पार्टी का कर सकते हैं ऐलान। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिक्षण सत्र का पहला दिन FIU के विवाद के चलते हफ्ते भर की देरी से शुरू हुए ये क्लासें। आज LG से मिलेंगे अरविंद केजरीवाल, दूसरे विधायक भी होंगे साथ, सुबह 10 बजे होगी मुलाकात। बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने को तैयार, राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय का दावा, बोले पार्टी चुनाव के लिए भी रेडी। भारतीय जनता पार्टी का मत बिल्कुल क्लियर है, हम पूरी तरह से दिल्ली के अंदर कल अगर चुनाव की घोषणा होती है तो हम चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं। हाफिज वैदिक मुलाकात पर बोले रामदेव, कहा अगर वैदिक ने कश्मीर को भारत से अलग करने की बात कही तो उन पर देशद्रोह का मुकदमा चले। आज तक के कार्यक्रम सीधी बात में बोले रामदेव, कहा हाफिज सईद मानवता का हत्यारा, उसे ड्रोन से उड़ा देना चाहिए। हाफिज सईद एक बहुत ही क्रूर दरिंदा मानवता का हत्यारा इंसान है, उसको तो जहां भी मिले वहां गोलियों से भून देना चाहिए अथवा फांसी पर लटका देना चाहिए अथवा ड्रोन हमला करके भी उसको खत्म करना हो तो खत्म कर देना चाहिए। हाफिज सईद को लेकर विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया का बयान, कहा पाक आतंकी को सूली पर चढ़ा देना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर हुए हमले पर अल्पसंख्यकों को प्रवीण तोगड़िया की चेतावनी, कहा भुगतने होंगे परिणाम। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कांग्रेस ने नहीं हमने विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का किया फैसला। दिन पहले मैं कांग्रेस के प्रेसिडेंट सोनिया गांधी साहिबा से मिला और मैंने उन्हें ये कन्वे कर दिया कि हम मिलके इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। इलाहाबाद में प्रियंका के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगाए पोस्टर, लिखा अगर शाह को देना हो मात तो प्रियंका को सौंप दो कांग्रेस का हाथ। लखनऊ हत्याकांड में बड़ा खुलासा, पुलिस का दावा महिला के साथ नहीं हुआ रेप, जानकार गार्ड ने की महिला की हत्या। यूपी के एडीजी सुतापा सान्याल का बयान, रेप में नाकाम रहने पर हेलमेट और चाबी से महिला को मारा। जब संबंध बनाने में सफल नहीं हुआ तो उसने क्रूरता से पीड़िता के प्राइवेट पार्ट पर चोट पहुंचाई। कॉलेज से पकड़ा गया आरोपी, वारदात वाले दिन आरोपी ने महिला से की थी कई बार बात। टीम द्वारा पीड़िता के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल का अध्ययन किया गया,
सर्वेलांस पे कुछ चीजें लगाई गई। पुलिस ने हत्यारे गार्ड रामसेवक यादव को पकड़ा, महिला को फ्लैट दिखाने के बहाने बुलाया था। डीजीपी का बयान, महिला से किराए के फ्लैट के लिए की थी पूछताछ, तो उसके बाद से गार्ड ने फोन पर महिला से बढ़ाया था संपर्क। आरोपी ने कैमरे पर कबूला, कहा स्कूल में ले जाकर की हत्या, लेकिन हेलमेट से हत्या करने की बात से किया इनकार, कहा हाथ में मारा। उसको बुलाए थे सर पहली बार से, वो मोहल्ला आगम 10:30 बजे आई थी, यहाँ से लेकर बाइक से गए थे अपने स्कूल लेके गए थे, वहाँ जो है झगड़ा हुआ, ये मारपीट वहाँ मारा है। नहीं कुछ नहीं सर, मैं चाबी हाथ में पहले थे सर। पुलिस के दावों को पीड़ित परिवार ने किया खारिज, सीबीआई जांच की मांग की। आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने पुलिस की जांच पर उठाया सवाल, का घटनास्थल का किया दौरा, एक आदमी नहीं कर सकता ऐसी वारदात। पीड़ित के परिजनों से मिले केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र, देवरिया पहुंचकर परिवार वालों को दिलाया सीबीआई जांच का भरोसा। अपने स्तर पर मैं भी ये प्रयत्न करूंगा कि सीबीआई जांच हो और अपराधियों को चिन्हित किया जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए। लखनऊ कांड के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, अखिलेश सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा। लखनऊ में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का भी प्रदर्शन, प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने किया लाठीचार्ज। लखनऊ में हुई दरिंदगी के खिलाफ लोगों ने निकाला कैंडल मार्च, अखिलेश सरकार के खिलाफ गुस्सा। बैंगलोर में बच्ची से रेप करने वाला आरोपी पकड़ा गया, आरोपी मुस्तफा स्कूल में था स्केटिंग इंस्ट्रक्टर। आरोपी के लैपटॉप से बच्चों से बलात्कार के वीडियो भी बरामद। 20 से बैंगलोर में रहता था आरोपी। कानपुर में मिली महिला की लाश के अभी नहीं हो पाई शिनाख्त, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने कहा रेप से नहीं कर सकते इनकार। महिला के शरीर में कुल 13 जगह चोट के निशान, बरामदगी के 1 से 1.5 दिन पहले हुई थी मौत। नोएडा में सामने आया अजीब और गरीब दोहरा हत्याकांड, एक फ्लैट से महिला और उसकी 4 साल की बेटी की लाश मिली। एक दिन पहले ही पति की मौत की आई थी खबर, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर चलती कार में लगी आग से हुई थी पति की मौत, गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस। दिल्ली में 3 साल से एक मंजरी के छेड़खाने से परेशान एक महिला, शादी के बाद मायके और ससुराल वालों को कर रहा है परेशान। लारू यादव के साले और पूर्व सांसद साधु यादव के घर से चोरी के जेवरात और नकदी बरामद, कुछ दिन पहले हुई थी चोरी। साधु यादव के घर से करीब 1 करोड़ के जेवरात हुए थे चोरी, भारी मात्रा में नकदी भी लेकर उड़े थे चोर। माननीय पूर्व सांसद श्री साधु यादव जी के यहाँ एक भीषण चोरी की घटना घटी, काफी मात्रा में पैसे और गहने वहाँ से चुराए गए। पटना पुलिस के मुताबिक जेवरात के साथ 39 लाख कैश बरामद, चोरी के आरोप में 3 की गिरफ्तारी। एक वीआईपी एरिया में ये घटना घटी थी, उसके बाद लगातार अनुसंधान के बाद हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे और जो क्रिमिनल थे उनको आइडेंटिफाई कर पाए। तीन लोगों को हमने इसमें गिरफ्तार किया है। लखनऊ में 2 मजनूओं को बलवीर ने धुना, लड़की को कर रहे थे परेशान, लड़की ने भी जमकर की दोनों मजनूओं को बताई भागा, दूसरे को किया पुलिस के हवाले। नोएडा के चर्चित धारी हत्याकांड के दोषी सुरेंद्र कोहली की दया याचिका राष्ट्रपति ने की खारिज, सुप्रीम कोर्ट से लग चुकी है कोहली की फांसी पर मुहर। कोहली समेत 6 लोगों की दया याचिका एक साथ खारिज, गृह मंत्रालय की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने लिया फैसला। चेन्नई में एक घर से निकला कोबरा, धारीदार किस्म का दुर्लभ कोबरा है, बेहद जहरीला।
दिल्ली के सराय रोहिला में पत्नी ने कराई पति की हत्या। हत्यारे आशिक के साथ पुलिस ने पत्नी को पकड़ा। पति की हत्या कराने के बाद प्रेमी संग फरार हो गई थी पत्नी। बेटी ने बताया हत्या वाले दिन मां ने धुले थे प्रेमी के खून से सने कपड़े। कई राज्यों के पेट्रोल पंप पर लूट करने वाले गिरोह यूपी के सहारनपुर में पकड़ा। सीसीटीवी में कैद हुई थी लुटेरों की तस्वीरें। लुटेरों के पास 6 बाइक तमंचे और चाकू मिले। दर्जन भर से ज्यादा वारदात को दे चुके हैं अंजाम। यूपी के मिर्जापुर में सड़क हादसे में 3 की मौत। हादसे में 12 लोग जख्मी। सड़क पर पलट गई थी बेकाब बस। वजीराबाद में 5 लोगों को बंधक बनाकर मारपीट। 2 को गोली मारी। 3 को किया जख्मी। घायलों में एसपी के पूर्व प्रदेश सचिव राकेश यादव के 2 भाई अनिल दुजाना। गैंग पर लगाया आरोप। मध्य प्रदेश के सिवनी में जमीन अपने आप उबलने लगी है आग। आग की लपटों के साथ निकला धुआं। पटाखे की आवाज से फैली दहशत। जबलपुर और नागपुर में भूगर्भ विशेषज्ञों की टीम बुलाई गई। ग्रेटर नोएडा के कासना इलाके में दिन दहाड़े कार लूटी। कार के मालिक को गोलियों से भूना। कोलकाता राजधानी के खाने में मिला कॉकरोच। यात्रियों ने मुगल सराय स्टेशन पर किया हंगामा। 1 घंटे तक रोक के रखी ट्रेन। एक यात्री को दाल में मिला था कॉकरोच। बदलने को कहा तो ट्रेन सुपरिटेंडेंट ने शिकायत की अनसुनी। दिल्ली के पश्चिम विहार में छत गिरने से 5 लोग दबे। 4 को जिंदा निकाला लेकिन 1 की हुई मौत। लातेहार में अज्ञात लोगों ने स्कूल में आग लगाई। छात्रों से संबंधित आंकड़े जलकर खाक। दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद। डीडीयू मार्ग पर दिनदहाड़े कार रोककर लूट की कोशिश। बद्रीनाथ में फंसे 83 लोगों को आज पांडुकेश्वर पहुंचाया गया। 13 विदेशी नागरिक भी शामिल। अलकनंदा में उफान से बलराम ब्रिज को खतरा। भारी बारिश के चलते लामबगड़ में नेशनल हाईवे बंद। शनिवार को बेनाकुली में बारिश में बह गई थी सड़क। कई जगह अब भी रास्ते बंद। उत्तराखंड में खराब मौसम को देखते हुए पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी। कई जगह स्कूल बंद। पहाड़ों में कई जगहों पर भूस्खलन से रास्ता बंद। कई गांवों में बाढ़ का खतरा। हल्द्वानी में बाढ़ के चलते कई लोग फंसे। कई मकान बहे। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा। जो है कभी पानी उतर जा रहा है तो कभी चढ़ जा रहा है। अभी अभी सोचना मिली है कि 26,000 के आसपास जो है पानी छोड़ा गया है। इसी अनुसार से जो है पानी का टकराव पड़ रहा है। बारिश से दरक रहे हैं उत्तराखंड के पहाड़। मलबों से पटे हाईवे। चंपावत और अल्मोड़ा के बीच सैकड़ों यात्री सड़क खुलने का कर रहे हैं इंतजार। बाढ़ से मुरादाबाद में कई गांव जलमग्न। गांव में पानी घुसने से कई परिवार बेघर। मुरादाबाद से रामनगर का रास्ता बंद। हिमाचल में भी कई जगहों पर भारी बारिश। शिमला सिरमौर सोलन और किन्नौर में भूस्खलन से कई जगह रास्ते बंद। आमिर खान की बेटी इरा के चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए मैदान में उतरे सितारे। आमिर सलमान अभिषेक बच्चन ऋतिक रोशन सहित कई सितारों ने खेला फुटबॉल मैच। मैच के दौरान सलमान और अभिषेक के बीच मिटी दूरियां। दोनों स्टार गले मिले। ज्वेलरी ब्रांड के प्रमोशन इवेंट में देखे शाहरुख खान। लुंगी डांस गाने के साथ ही इवेंट में एंट्री। और फैशन शो के आखिरी दिन रहा सितारों का नाम। रैंप पर बिपाशा बसु, चित्रांगदा सिंह, इलियाना का रहा जलवा। हुमा कुरैशी और मधुर भंडारकर ने भी रैंप पर बिखरे अपने जलवे। क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी लिया रैंप की रंगीनियों का मजा।